हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 द क्लाइमेट। इस वीडियो में हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो दो वीडियो कंप्लीट कर ली हैं उसमें ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन केवल सीजन्स रह गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द सीजन्स कहा गया है, द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न वेदर फिनोमिनन। वेदर के हिसाब से हम उसे एक डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न बना देते हैं। द वेदर कंडीशन जनरली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू द अदर। आप देखोगे कि इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन मार्च से मई तक बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, वहीं नवंबर से फरवरी तक बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन द इंटीरियर पार्ट, द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन। कोस्टल एरियाज के कंपैरिजन में इंटीरियर पार्ट में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, फोर मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। द कोल्ड वेदर सीजन विंटर, द हॉट वेदर सीजन समर, द एडवांसिंग मानसून सीजन रेनी, द रिट्रीटिंग मानसून सीजन ट्रांसिशन। द कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर को हम पढ़ेंगे तो कहता है, इट बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर स्टे टिल फेब्रवरी, दिसंबर जनवरी आर द कोल्डेस्ट। मिड नवंबर से शुरू होता है विंटर और फरवरी तक रहता है। दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। विंटर्स में साउथ से नॉर्थ में जाने पर टेम्परेचर कम होता जाता है। नॉर्थ ईस्ट विंड प्रिवेल ओवर द कंट्री, जिसके कारण ड्राई सीजन रहेगा। इसी कारण से विंटर में हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है, लेकिन ये विंड्स तमिलनाडु कोस्ट पर बारिश करा देती हैं। ड्यू टू लो प्रेशर, विंड ब्लोज फ्रॉम द सरफेस इंटीरियर लैंड, नॉर्मली क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फेवरेबल वेरिएबल विंड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वेदर। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, कि क्या डिस्टर्बेंसेस का इम्पैक्ट होता है। वेस्टर्न यूरोप से जेट स्ट्रीम अपने साथ मॉइस्चर को उड़ाकर इंडिया में ले आती हैं, और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ बारिश होती है। ये विंटर सीजन में ऑब्जर्व किया जाता है, जिसे महावत भी कहा जाता है, जो रवि क्रॉप्स के लिए यूजफुल होती है। इम्पैक्ट ऑन पेनिनसुलर रीजन, यहाँ पर विंटर ज़्यादा हार्श नहीं होते हैं। द हॉट वेदर सीजन समर, इट बिगिंस फ्रॉम मार्च टू मई। जैसे जैसे सन को मूवमेंट नॉर्थवर्ड होती है तो गर्मी बढ़ने लगती है, उसे समर कहा जाता है। नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉट वेदर सीजन। टेम्परेचर बढ़ता है समय के साथ, लेकिन पेनिनसुलर पर ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। इंडियन लैंडमार्क्स के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, खासतौर से गंगा प्लेन पर लू। देयर आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द ड्राई डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। गर्म हवाएं बहती हैं इस समय में। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स मे इवन प्रूव टू बी फेटल। इससे लोग बीमार हो जाते हैं। धूल भरी आंधियाँ इस समय नॉर्थ इंडिया में कॉमनली देखी जाती हैं, लेकिन कभी कभी ये टेम्प्रेरी रिलीफ लेकर आती हैं, और कभी कभी इट लोअर द टेम्परेचर एंड ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। समर के एंड में थंडर स्टॉर्म, वायलेंट विंड्स, टोरिशनल डाउनपोर्स ऑब्जर्व की जाती है। वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। प्री मानसून शावर नोन एज मैंगो शावर। केरला और कर्नाटका में जब समर सीजन खत्म होने वाला होता है तो उसकी पहली बारिश से मैंगोज या आम पक जाते हैं, जिस कारण से मैंगो शावर भी कहा जाता है। एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन, इट बिगिंस बाय अर्ली जून। इस समय पूरे देश में रेनफॉल आती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवांसिंग मानसून, साउथ वेस्ट विंड 30 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से चलती है। ब्रिंग्स अ टोटल चेंज इन द वेदर। अलग अलग क्षेत्र में बारिश अलग अलग होती है।
कहीं कम और कहीं ज़्यादा। मानसून हैव अ ब्रेक इन रेनफॉल, इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल, कभी बारिश होगी और कभी नहीं। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द मानसून ट्रफ विच मूव्स नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। ट्रॉपिकल डिप्रेशन या साइक्लोन का भी रेनफॉल पर इम्पेक्ट होता है। मानसून पर अनसर्टेनिटीज़ का इम्पेक्ट भी होता है, कभी बहुत बारिश होती है और कभी बिल्कुल नहीं होती है या बहुत कम होती है। रेटरेटिंग मानसून या द ट्रांसिशन सीजन, इट बिगिंस फ्रॉम अक्टूबर नवंबर विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ। सन नॉर्थ से साउथ में चला जाता है तो कंट्री में लो प्रेशर से हाई प्रेशर बन जाता है एंड द मानसून विंड ऑल्सो विदड्रॉ फ्रॉम द कंट्री। पीरियड ऑफ ट्रांसिशन, हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर विंड्स ब्लो होगी। फिनोमिनन ऑफ अक्टूबर हीट ड्यू टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, द ऑप्रेसिव वेदर इन इज फेल्ट ड्यूरिंग अक्टूबर। दिस शिफ्ट इन द प्रेशर कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द ऑक्यरेंस ऑफ साइक्लोन, अलॉन्ग विद देम कम्स द डिस्ट्रक्शन, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन होता है, कई जगहों पर नुकसान देखने को मिलता है, कुछ जगहों पर जानमाल का नुकसान होता है, जैसे साइक्लोन्स आते हैं तो उसकी वजह से कुछ लोगों को नुकसान होता है, मींस उनकी जान चली जाती है, या कुछ जगहों पर उनके सामान की नुकसान होता है। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।